दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, क्या बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर बॉलीवुड के फिल्मों के दीवानों के बीच में क्या दीवानगी उसी लेवल की है जो कि साउथ की फिल्मों को लेकर साउथ के दीवानों में होती है? तो भाई, मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म सूर्यवंशी से और उसी के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड कलाकारों में से एक यानी कि थलाइवा रजनीकांत सर की आ चुकी फिल्म यानी कि अन्ना थे से। तो दोस्तों, ये बात तो आप जानती हो कि भैया 5 तारीख को अगर सूर्यवंशी सिनेमा घर में रिलीज हुई है तो इससे एक दिन पहले ही यानी कि 4 नवंबर को रजनीकांत सर की फिल्म अन्नाथे ने भी बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी थी। और भाई, इन दोनों फिल्मों ने पहले दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है उसको देखने के बाद मैंने ये सवाल आप लोगों से पूछा है कि क्या बॉलीवुड के फिल्मों को लेकर बॉलीवुड के फिल्मों के दीवानों के बीच में क्या दीवानगी उसी लेवल की है जो कि साउथ के फिल्मों को लेकर भैया साउथ के दीवानों में होती है। तो भाई, ये सवाल इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा है क्योंकि भैया जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आया है ना अन्नाथे का पहले दिन का, उसको देखने के बाद हम यही कहेंगे कि भाई एक बार फिर से साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भारी साबित हुई है। यानी कि भैया पहले दिन ही कलेक्शन के मामले में भैया बहुत पीछे छोड़ चुके हैं रजनीकांत बॉलीवुड के अक्षय कुमार को। तो भाई, ये कारनामा कैसे हुआ है, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया भैया कि अन्नाथे जो है वो 4 नवंबर को सिनेमा घर में रिलीज हुई है। और भाई, इस फिल्म को पूरे वर्ल्ड में कितने स्क्रीन मिले थे, तो भैया इसको लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है वो है लगभग 3000 यानी कि 3000 स्क्रीन के माध्यम से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई थी। और भाई, इस फिल्म ने इंडिया में जो नेट कलेक्शन किया था ना वो था 29,90,00,000 रुपए का। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया कि इस फिल्म ने जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया तो भैया वो आंकड़ा था 50,70,00,000 रुपए का। यानी भैया नाते ने इंडिया में जो ग्रॉस कलेक्शन किया वो था 34,70,00,000 रुपए का। और उसके बाद ओवरसीज में इस फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन आया था वो था 16,00,000 का। और ये आंकड़े जोड़ने के बाद हो जा रहे हैं 50,70,00,000 रुपए। यानी भैया इस फिल्म ने तो पहले ही दिन 50,00,000,000 का बिजनेस करके दिखा दिया। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया सूर्यवंशी की, तो भैया सूर्यवंशी को तो इंडिया में ही ज्यादा स्क्रीन मिल चुके थे रजनीकांत सर की फिल्म से। यानी कि इंडिया में ही सूर्यवंशी को 3,519 स्क्रीन मिले थे मेरे भाई, जबकि अन्नाथे को पूरे वर्ल्ड में 3,000 स्क्रीन मिले थे। यानी भैया 500 स्क्रीन तो इंडिया में ही ज्यादा ले चुके थे सूर्यवंशी अन्नाथे से। और उसके बावजूद भी ये फिल्म केवल 26,69,00,000 रुपए का बिजनेस इंडिया में कर पाई। तो भाई, यहां पर तो एक बार फिर से साउथ इंडस्ट्री ने यह बात पूरे वर्ल्ड को बता दी है कि भाई साउथ के फिल्मों के फैंस की दीवानगी बॉलीवुड के फैंस से तो कहीं ज्यादा है मेरे भाई। यानी कि एक बार फिर से साउथ इंडस्ट्री जो है वो भारी पड़ी है भैया बॉलीवुड इंडस्ट्री पर। यानी कि अन्नाथे को लेकर तो अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये फिल्म सूर्यवंशी से पहले ही 100,00,000 का आंकड़ा पार कर लेगी बॉक्स ऑफिस पर। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या साउथ के फिल्मों के दीवानों की दीवानगी बॉलीवुड के फिल्मों के दीवानों की दीवानगी से कहीं ज्यादा है। अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।